हेलो बच्चों लेट्स लेट सि गिवन क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट फिगर टू डिस्प्ले ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनोइट सो ऑप्शन ए बी सी एंड डी के क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हमें गिवन है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट एक्जैक्टली इज द की कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी यूजिंग फॉर दिस क्वेश्चन सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज द दोलेनोइट एंड प्रिस वी विल बी डीलिंग विद द फाइनाइट लेंथ सोलेनोइट ठीक है सो सोलेनोइड एक्चुअली होता क्या है बेसिकली तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड देन विल आंसर द क्वेश्चन तो यहाँ पे अगर हम एक इंसुलेटिंग कोर पे लेट सपोज ये हमारी कोई इंसुलेटिंग कोर है इस तरीके से एक रॉड है ठीक है इसके ऊपर हमने वायर जो है वो इस तरीके से वाइंड कर दिया है ये वाइंडिंग बहुत ज्यादा होती है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे कुछ कुछ ही वाइंडिंग दिखा रहे हैं ठीक है यहाँ से करंट हम पास कर देंगे आई एंड यहाँ से करंट आ जाएगा बाहर आई ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बना है सोलेनोइड का और ये है फाइनेट लेंथ सोलेनोइड का अब सोलेनोइड यूज क्यों करते हैं solenoid हम सोलेनोइड हम यूज करते हैं बिकॉज वी हैव अगर हमें आ, कोई मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन हो हमें मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड हो और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो कन्फाइंड रीजन में बहुत छोटे रीजन में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होती है तो हम यूज करते हैं सोलेनोइड का सोलेनोइड में क्या होगा बेसिकली जब ये करंट कैरिंग वायर से जब वायर पास होगा तो ये जो कॉइल्स हैं यहाँ पे जो कॉइल्स फॉर्म हुए हैं इसको अगर हम आ, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके हम क्या देख सकते हैं इसमें जो करंट फ्लो होगा करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा बिटवीन दोलिनोइट के जो कॉइल्स हमने बनाए उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्रिएट होती हैं अब ये क्योंकि फाइनल बनाई है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी ठीक है और ये बहुत सारी होंगी जस्ट uh, यहाँ पे वी आर शोइंग फ्यू ओनली इस तरीके से ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब ये जो सोलेनोइड हमने बनाया है इसका पहले हम थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन देखते हैं जब हम इनको कट करेंगे लेटरली uh, जब सामने से हम इसको कट करेंगे इस प्लेन में इस तरीके से सामने से ऐसा कट कर रहे हैं इसको ठीक है तो हमें जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कुछ इस तरीके से ठीक है अब क्योंकि करंट ऊपर की तरफ अंदर जा रहा है तो यहाँ पे हम क्रॉस शो कर देंगे और नीचे से वो बाहर की तरफ आ रहा है राइट बाहर आ रहा है तो यहाँ पे हम डॉट शो कर देंगे आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी डायग्राम से यहाँ पे करंट जो है अंदर जा रहा है ऊपर और यहाँ से नीचे से क्या हो रहा है बाहर आ रहा है तो बाहर आने को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने डॉट दिखा दिया यहाँ है पे इस तरीके से ठीक है अब अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो इस अकॉर्डिंगली हम क्या देख सकते हैं इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी हम अगर इसको देखें ध्यान से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जस्ट हमें क्या करना होगा राइट हैंड थम रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही होंगी वो कुछ आउटवर्ड होंगी इस तरीके से ना तो ऊपर फिंगर हमारे और नीचे से बाहर निकलेंगे तो हम देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनोइड वी कैन ड्रॉ ठीक अब क्वेश्चन की तरफ ऑप्शन की तरफ चलते हैं ऑप्शन को देखते हैं ऑप्शन में बोला गया कि कौन सा सही होगा तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो अगेन राइट थर्म रूल यूज करें हम तो इसमें देख सकते हैं बाहर की तरफ ऊपर की तरफ जो है हमारा फिंगर आ, अंदर जाना चाहिए तो इसमें लेफ्ट वर्ड आनी चाहिए थी मैग्नेटिक फील्ड लेकिन ये राइट right वर्ड दिखाया जा रहा है ठीक है एंड सो दैट्स द रीजन वी कैन डिस्कार्ड दिस ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में अगेन वी कैन सी इट हैज टू बी इन द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन सो अगेन दिस कैन बी डिस्कार्ड ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ से बाहर आ रहा है नीचे की तरफ अंदर जा रहा है तो थम विल बी पॉइंटिंग इन द राइट वर्ड डायरेक्शन सो दिस करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में ये दोनों तरफ दिखाया जा रहा है लेफ्ट एंड राइट सो विच इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर जो केस डिस्कस किया हमने इसमें हमारे लिए ऊपर करंट अंदर जा रहा था नीचे से बाहर आ रहा था और यहाँ पे कुछ रिवर्स केस है तो हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन का केस है उसमें करंट यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से लीव करेगा सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से ऊपर डॉट दिखाएंगे हम नीचे क्रॉस दिखाएंगे तो एनी वेज ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस उसका मेन जो रीजन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इस तरीके से वी कैन कैलकुलेटेड ठीक है अब हम देख भी सकते हैं कि ये कन्फाइंड रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें मिल गई है ठीक है सो सी विल बी द आंसर फॉर दिस सो आई होप यू अंडरस्ट द सोल्यूशन ऑल द बेस्ट